बीजेपी ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स करी, उसके एग्जांपल के साथ जैसे मुस्लिमों का आरक्षण बंद कर दिया, उसकी घोषणा की, फिर बजरंग दल को बजरंग बली से रिप्लेस किया, हम लोगों ने इस पर डिबेट भी किया खबरों के खिलाड़ी में एक हफ्ते पहले, दो हफ्ते पहले। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से हार हुई, कर्नाटक की जनता आपकी बातों में नहीं आई? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी सोच रही थी कि उनको इफेक्टिवली इसका फ़ायदा मिलेगा, इसका उल्टा रिवर्स पोलराइजेशन हुआ। 80% वोट एक समुदाय का कांग्रेस को गया है, जाहिर है नुकसान सबसे ज़्यादा जेडीएस को हुआ है, वोट शेयर हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टिल हार हार है। जहाँ तक बात डिविसिव पॉलिटिक्स की है, मुझे लगता है कर्नाटका वो जगह रही है जहाँ पर स्कूल में बच्चों के बुर्का पहनने से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं ऊपर तक गई हैं। एक बच्ची जिसको बुर्का पहनकर स्कूल में भेजा गया था, उसके बाद जब कोर्ट ने मना कर दिया कि ये नहीं होगा, उसके बाद भी कांग्रेस के महाराष्ट्र के एक विधायक ने उनको 5 लाख और अल जवाहिरी जो हैं उनसे लेकर तमाम जगह तारीफें मिली। तो पोलराइज कौन कर रहा था ये तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी की तमाम चीज़ें हुई, लेकिन सक्सेसफुल वो हुए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलना, आप क्योंकि एक समुदाय की बात कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोल देता हूं, 80-85% वोट मुसलमानों का कांग्रेस के साथ पड़ जाना जो अब तक की रुझानों से हमको पता लग रहा है, क्या मुसलमानों का विश्वास बीजेपी से उड़ गया है? क्या बीजेपी मुसलमानों को साथ लेने का प्रयास नहीं कर रही है, उसका भी ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है? बीजेपी ने लगातार प्रयास किया है, निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों में 93 कैंडिडेट्स इस बार लड़ाए हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। कोई भी पार्टी एकदम से पूरा स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट कर जाए इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर रही है, सक्सेसफुल नहीं हुए बात अलग है। अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सर ने कहा कि वो पिपासू प्रधानमंत्री ज़्यादा चुनावी ज़्यादा रैलीज हैं, मैं कुछ डेटा भी पिछले दिनों पढ़ रहा था, इंदिरा गांधी जी को एक रिकॉर्ड है, 29 दिन में उन्होंने 35,000 मील चल के 250 रैलियाँ की थी, प्रधानमंत्री रैली नहीं करते रैली, मतलब आप ये कह रहे हैं, हो सकता है आप मनमोहन सिंह जी को मान के ऐसा स्टैंडर्ड समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति में जो लोग हैं वो संत नहीं है, राजनीति ही करने आए हैं, बात अलग है। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में चुनाव कैंपेन करके 150 सीटें ले आते हैं तो उनसे बड़ा एक्सेप्टेंस किसी का नहीं होता, हार जाते हैं तो उनसे मतलब उनके कोई एक्सेप्टेंस नहीं रही, जब वो झारखंड हार जाते हैं, छत्तीसगढ़ हार जाते हैं, इसीलिए पंकज जी ने कहा कि जब जीतते हैं तो वो हीरो हो जाते हैं, पर हारते हैं तो हीरो विलेन नहीं बनते हैं, उनको आप डिफेंड करने लग जाते हैं। डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है इस देश के सबसे बड़े नेता को मुझ जैसे एक व्यक्ति का या किसी का भी डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, वो जनता उनको अपने आप स्टैंप लगा के देती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 2019 से पहले 5 राज्यों में लगातार चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, और कहा गया कि ये अंत है और न जाने क्या क्या, डबल 303 करके लाए, 282 से ऊपर क्रॉस कर गए, पहला राज्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का 100% नुकसान है, और उनको डीप डाउन सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आपकी इतनी हैवीवेट यूनिट्स आती हैं कर्नाटका से, बावजूद आप उसके हारे, प्रधानमंत्री के इतने एक्सटेंसिव कैंपेन के बाद ये सीटें आई हैं, तो आपको विचार तो करना पड़ेगा। पीछे बैठे हुए हैं अग्निहोत्री जी, आप उनसे पूछेगा, मैंने उनको बहुत पहले कहा था सीटें 60 हैं, कल तो मैसेज भी गया था कि 60 सीटों से ज्यादा नहीं आ रही, तो खबरों के खिलाड़ी में आप गलत बोल रहे थे इसका मतलब पिछले हफ्ते। अब आप मैंने क्या कहा राजनीति करने वाला राजनीति करेगा, मैं संत थोड़ी ना हूं, लेकिन सच्चाई तो अब थी, देखिए ऑन ग्राउंड टर्नआउट नहीं हुआ, नहीं लेकिन ऑन ग्राउंड टर्नआउट वाकई नहीं हुआ, कैंपेन कहीं ना कहीं गलत गया, जिस तरीके से, बात बिल्कुल सही है, चीफ मिनिस्टर को बार बार अगर आप चेंज करेंगे या कोई दिक्कत आएगी तो उससे कास्ट कॉम्बिनेशन, बीच में येदुरप्पा जी का रोना, आप ये देश इमोशन पे चलने वाला देश है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला